महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि लॉकडाउन से देश को 40,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है, यह अनुमान केयर रेटिंग एजेंसी ने जताया है। रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 10.7 से 10.9 फीसदी कर दिया है। एक हफ्ते पहले उसने इसके 11 से 11.2 फीसदी कर रहने का अनुमान जताया था। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रॉस वैल्यू एडेड का अनुमान इस वित्त वर्ष में 137.8 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें महाराष्ट्र का योगदान 20.7 लाख करोड़ रुपए का है। लॉकडाउन से महाराष्ट्र को करीबन 2% का नुकसान हो सकता है। यह घाटा महाराष्ट्र के विभिन्न सेक्टर्स में होगा। एक महीने के लॉकडाउन से इस पर बड़ा असर दिखेगा। सेक्टर के नजरिए से देखें तो इसमें ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट ज्यादा घाटे में होंगे। इनको करीबन 15,722 करोड़ रुपए का घाटा होगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।